गुड इवनिंग दोस्तों। तो कल से एक ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और जिस जिसका पेपर आने वाला है सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी पेपर में बहुत अच्छा करें। अब आपको करना क्या है, अब देखिए जिसका कल पेपर है उसके पास बहुत कुछ समय तो बचा नहीं है, बट आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो रिविज़न करिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, फ्री रहिए। क्योंकि पैनिक स्थिति में क्या होता है, हमसे बनते हुए क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते हैं, हमारा जो माइंड है वो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए पेपर का, जाइए आराम से पेपर दीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर दीजिए, आप पेपर बहुत अच्छा करेंगे। और जिसका इसके बाद पेपर है, मतलब परसों 1-2 तारीख से पेपर है, उनके पास फिर भी समय है। उनको क्या करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों, बिल्कुल नया कुछ ना पढ़ें, रिविज़न करें, बराबर रिविज़न करते रहें, लगातार रिवाइज करते रहें आपने जो जो पढ़ा है। दूसरी चीज़, अब कल से जो पेपर होंगे तो यूट्यूब में क्या होगा, आपको हर पाली के क्वेश्चंस पता चलते जाएंगे कि नॉन टेक में क्या आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप हर एक चैनल में देख रहे क्या आया क्या आया क्या आया, मुश्किल से 5 या 10 मिनट देखिए, कोई भी एक चैनल देख लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि किस तरीके के नॉन टेक में क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, एक के बाद 1-2 घंटे तक सिर्फ यही देख रहे हैं कि कल वो 25 क्वेश्चन क्या आए थे, इसमें आपका क्या होगा, टाइम खराब होगा। दूसरी चीज़ क्या करना है, आप सभी को बिल्कुल भी अच्छे पॉजिटिव विचारों के साथ वाले लोगों से मिलिए, कोई भी नेगेटिव व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी मत रहिएगा, ये आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डिक्रीज कर देगी, कम कर दे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करने हैं, अच्छे लोगों के साथ रहिए इन 2-3 दिन जब तक आपका पेपर है, पॉजिटिव अप्रोच वाले लोगों के साथ रहिए। और देखिए सीट लिमिटेड है, हर किसी का सिलेक्शन होना तो पॉसिबल नहीं है, कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ का कुछ मार्क्स के कारण सिलेक्शन रह जाएगा। बट हमको क्या करना है, क्योंकि हमारी पढ़ाई की जो तैयारी रिदम है बहुत अच्छी चल रही है, हमको क्या करना है, आने वाले जो रेलवे के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहना है। फिर हो सकता है सब इंजीनियर का टेक्निकल ग्रेड का पेपर आ जाए, पटवारी का आ जाए या MP पुलिस का आ जाए, तो हमको क्या है, किताबों से दूर नहीं जाना है। ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर देने के बाद हमको रेस्ट नहीं करना है, हमको अगले पेपर की तैयारी करना है। आने वाले समय में दोस्तों काफ़ी वैकेंसीज आएंगी और अगर आपने रिदम छोड़ दी पढ़ाई की तो दोबारा उस रिदम को पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ कि आप पढ़ाई मत छोड़िएगा, ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर दीजिए, आइए और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। और इस क्योंकि अब पेपर आ गया है तो अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ, बस यही कहूँगा कि बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, नया मत पढ़िए, पुराने को रिवाइज करते रहिए, वही आपकी अब स्ट्रेंथ बनने वाला है। क्योंकि आप नया पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वाला मेरा टॉपिक रह गया, मैंने तो पढ़ा नहीं, तो अब जो टॉपिक रह गए उसको छोड़िए, पुराने को रिवाइज करते रहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर, अब ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर के एनालिसिस करने का अगर वक्त मिलता है तो एनालिसिस करेंगे, अदरवाइज आपको काफ़ी सारे जो चैनल्स हैं उनमें एनालिसिस मिल जाएगा। कई लोग तो अपने बंदों को बाहर खड़ा कर देंगे सेंटर के बाहर और माइक लेके पूछते रहेंगे कैसा गया पेपर, तो आप वो सब चीज़ें देखिए, आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। ऑल द बेस्ट, बाय दोस्तों।